हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी रेहाना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, अब आपके पास वक्त है, आप कह सकती हैं। जी थैंक यू, मैं जरूर कहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल सच है कि जब एक माँ मजबूत होती है तो बेटी भी मजबूत होती है। उनकी बेहतरीन मिसाल जो है वो मेरी मदर है। मेरी मामा भी माशाल्लाह टीचर थी। अच्छा, माशाल्लाह। उन्होंने बहुत हमारे लिए स्ट्रगल किया है। तो यानी वो उनका था कि मेरे बच्चे जो है वो पढ़े लिखे और बड़े इंसान बने। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी कि जब माँ कि जब एक माँ कोशिश करती है ना कि मैंने बच्चों को पढ़ाने और कोई अजम कर लेती है तो यकीनन बेटी भी तभी मजबूत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर माँ मजबूत नहीं ना है तो यकीन करे बच्चे जैसे कहते हैं ना कि बस लाइफ का जैसे कोई मकसद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम जो तालीम के जरिए जी बात कर रहे हैं वो इसीलिए हम कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तालीम हासिल करके आप जॉब करें। अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं तो आपकी तालीम की बेस्ट यूटिलाइजेशन वो भी हो सकती है। एग्रीड, वो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, ये तालीम सिर्फ इसलिए नहीं हासिल करनी कि हमें जॉब करनी है, तो ये आपके आप एक माँ को पढ़ाना जो है वो पूरी खानदान को पढ़ाना है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पढ़ाना है। बहुत शुक्रिया रहना जी, आपने अपनी इनपुट दी। के लिए बड़ा मुख्तसर सवाल है, लाइफ बॉय शैम्पू की जो कैंपेन है बेटी पढ़ाओ मजबूत बनाओ, क्या बेटी सिर्फ वही है जो आपकी जिसे कोख से जन्म लिया है? बेटी वो नहीं है जो आपके घर काम भी करती है? क्या बेटी वो नहीं है जो आपकी बहन की बेटी है? अगर आप किसी को भी देख रहे हैं तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप उसको समझाएं कि अपनी बेटी को पढ़ाओ या उसको खुद पढ़ाएं? देखें, थैंक यू, बेटियाँ वो सारी हैं, बट इट टेक्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत का अगला लेवल है जब आप दूसरों की बेटियों को भी अपनी ही बेटियां समझने लग जाते हैं। अगर आप इंसानियत के उस लेवल पे हैं तो आप उनको उन्हीं नज़र से देखेंगे और उनको हेल्प आउट भी करेंगे, बच्चियों को भी समझाएंगे और उनके जो वालदैन या जो भी सरबराहान हैं उनको भी इंस्पायर करेंगे, कन्विंस करेंगे कि वो भी अपनी बच्चियों को अगली तालीम दें। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का ये जो दौर है इसमें सिर्फ हम अपनी बेटियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ समझा लें, पढ़ा लें और उनको राइट ट्रैक पर डाल दें तभी बहुत बड़ी बात है। आज की माएँ तो मोबाइल से ही कम ही निकलती हैं, सॉरी टू से दैट, अनफॉर्चुनेटली। तो जब आज की माँ उस तरह से बच्चों की लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में अवेलेबल नहीं है तो वो किसी और की बेटी को कैसे समझेगी।